सभी भक्तजनों में जनकपुर धाम के नेपाल के तरफ से और मिथिला के तरफ से मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी हम लोग कार सेवापुरम में हैं और चंपक राय जी जिन प्रकार से सभी बारातियों को, सभी हमारे वहाँ जो भार लाए हुए धर्मलालियों को जिस प्रकार से उन्होंने सेवा किया, रहने की व्यवस्था की, उन लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ में इसमें अयोध्या और जनकपुर धाम को एक करने में जो हम लोगों को प्राप्त हुई है और आने वाले दिन में जो 22 जनवरी को गृह प्रवेश होने जा रहा है उसके तैयारी में अब हम लोग जनकपुर धाम लगेंगे। वहां से 22 तारीख को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जानकी मंदिर के मान्यवहन तपेश्वर दास जी आ रहे हैं और हम लोग साथ में संपूर्ण नगरवासी और मिथिलावासी जानकी मंदिर में ही रह के वहां पर दीपोत्सव करेंगे और इस भाव को, इस श्रद्धा को आगे बढ़ाएंगे। तो कितने दीपकों की तैयारी है वहां? वहां लाखों दीपकों की तैयारी होगी। और नेपाल से अब दोबारा जो रामलला के दर्शन के लिए कौन कौन, कितने लोग, कितनी संख्या? नहीं नहीं, ये जो अभी 22 जनवरी को होगा उसमें ज्यादा लोग नहीं आएंगे, सिर्फ चीनी गिने लोग आएंगे, बहुत सारा भीड़ होगी, लेकिन हम लोग वही पर उत्सव मनाएंगे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरह से मैं इसमें खासकर अब ये पुरानी बात हो चुकी है, अब 5000 वर्षों के इतिहास से लेकर रामलला जी का अब गृह प्रवेश होने जा रहा है, इसपे खुशहाली मनाना है और पीछे की बात की गिनती नहीं करना है। लेकिन माननीय भारत सरकार, माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि नेपाल के तरफ से और मध्य प्रदेश सरकार और लोकल गवर्नमेंट हम लोग जनकपुर धाम के तरफ से उनको बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा। और साथ में ये राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाकर उन्होंने जितने काम किया है, संपूर्ण जस्टिस वगैरह जितने इसमें लगे हुए थे सभी को हम लोगों की तरफ से आभार है, धन्यवाद है। और साथ में आने वाले दिन में रामायण सर्किट का भी उन्होंने एक कल्पना किया है, इस रामायण सर्किट को पूरा करने में जनकपुर से लेकर के अयोध्या तक और अयोध्या धाम से लेकर राम सेतु तक जो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इस जितने देशों में रामायण जी का, आराम में सीता जी का चरण चरण पड़ा, वो सभी जगहों को विकास करना जरूरी है, उसमें हम लोगों का साथ रहेगा। कि ना रामायण सर्किट बिना जनकपुर धाम का पूरा नहीं हो सकता है, बिना सीता के राम, बिना सिया के राम हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों में जो भारत सरकार आगे आ रही है और नेपाल भारत का जो संबंध है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, साथ में रामायण के लेकर के भी हम लोग का संबंध आगे बढ़ेगा और रामायण सर्किट में पूरा सहयोग करने के लिए